चैप्टर हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग दोस्त कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एक स्पेस के सजावट में लिगेंड अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो सेंट्रल मेटल आइटम से और निर्माण करता हो बहुफलकीय सजावट का, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एक हमारा क्या सेंट्रल मेटल आइटम है, ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम, इसे चार लिगेंड जुड़ा हुआ, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड और चार लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हमारे क्या हो गया, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट। एक हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, उससे चार लिगेंड जुड़ा हुआ, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड और चार लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, इससे पांच लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के द्वारा पांच लिगेंड जुड़ा हुआ, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड और पांच लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसका शेप हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, छह लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड, पांच लिगेंड और छह लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसका शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल।